हाँ जी, मायोग्लोबिन इज अ हीम कंटेनिंग प्रोटीन। क्या है? मायोग्लोबिन एक हीम कंटेनिंग प्रोटीन है, और इसको हम मेटालो प्रोटीन भी बोल सकते हैं या फिर मेटालो पोरफायरिन भी बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? मायोग्लोबिन इज ए हीम कंटेनिंग प्रोटीन और मेटालो प्रोटीन या फिर मेटालो पोरफायरिन। ठीक है, अब जब हम मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो मोनोमरी माना जाता है बेटा हीमोग्लोबिन का। क्यों? क्योंकि वो भी किससे बना हुआ है? हीम यूनिट से बना हुआ है, और जो हीम यूनिट है वो कनेक्टेड होती है किससे? ग्लोबिन से। किससे? ग्लोबिन से। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉप पॉइंट जो बनेगा वो ये है, इन मायोग्लोबिन हीम ग्रुप इज एम्बेडेड इन द क्रैक्स फॉर्म्ड बाय क्वाइलिंग ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन की क्वाइलिंग है, इसके बीच में जो क्रैक्स होते हैं उनमें हमारा हीम ग्रुप एम्बेडेड होता है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं बेटा, उनके पास 15 से लेके 160 के आसपास अमीनो एसिड रेजिड्यू हो सकते हैं। अमीनो एसिड रेजिड्यू हो सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के पास। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा, द पॉलीपेप्टाइड चेन इन मायोग्लोबिन इज कोऑर्डिनेट टू आयरन एटम ऑफ द हीम ग्रुप थ्रू किससे? नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टिडीन। ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, हिस्टिडीन से अटैच होते हैं ये। ठीक है, दोबारा से सुन लो, जो मायोग्लोबिन है वो एक हीम कंटेनिंग प्रोटीन है जिसको हम मेटालो प्रोटीन बोलते हैं। मायोग्लोबिन जो होता है वो मोनोमर होता है हीमोग्लोबिन का। इसमें एक हीम यूनिट कनेक्टेड होती है एक ग्लोबिन से। ग्लोबिन क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है मायोग्लोबिन की, उसमें 15 से लेके 160 अमाइनो एसिड रेजिड्यू हो सकते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है मायोग्लोबिन में, वो कोऑर्डिनेट होती है आयरन एटम के साथ ऑफ हीम ग्रुप थ्रू किससे? नाइट्रोजन एटम ऑफ हिस्टिडीन से। ठीक है, ये आपको दिखाई भी दे रहा है सेंटर में। नेक्स्ट हमारा है इसका मोलर मास। मायोग्लोबिन का जो मोलर मास होता है वो अबाउट होता है 17000। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आएगी कि यदि ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, और विदाउट ऑक्सीजन इसको हम क्या बोलते हैं? मायोग्लोबिन विच हैज नॉट टेकन अप ऑक्सीजन। जो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता उसको हम डी ऑक्सी मायोग्लोबिन बोलते हैं, और रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा? डी ऑक्सी एमबी। ठीक है बेटा, और सिंपली इसको हम मायोग्लोबिन भी बोल सकते हैं, और मायोग्लोबिन। नेक्स्ट होगा, व्हाइल द मायोग्लोबिन विच हैज टेकन अप ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन या फिर ऑक्सी मायोग्लोबिन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ एक्स वाई एम बी से। इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? ये बात क्लियर हो गई सबको? हाँ जी, यस मैम। आप बोलते नहीं हो बेटा, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, या कोई इश्यू है रिस्पांस देने के लिए? कम से कम आप लोग इतने सारे बच्चे हो, दो तीन बच्चे भी यस मैम बोल दे तो मुझे लगे कि कनेक्टिविटी प्रॉपर है, आवाज भी जा रही है, बच्चों को समझ में भी आ रहा है। तो एक बार रिस्पॉन्स जब आपसे मांगा जाए तो आप यस मैम बोल दिया करो। ठीक है, तो हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही है बेटा, ये हमारा डीऑक्सी मायोग्लोबिन है। डीऑक्सी मायोग्लोबिन देखो, ये वाले तो बाकी सारे ही आपके किसकी तरह है? जिस तरह से हमने हीमोग्लोबिन में पढ़ा था वही ग्रुप अटैच्ड है। ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि एक्सियल पोजिशन पे है। एक जो एक्सियल पोजीशन है ऊपर वाली, वो उसकी वैकेंट दिखाई हुई है।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन आके जब अटैच हो जाता है तो ये ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, पर ये जो आपको स्ट्रक्चर शो हो रही है बेटा ये किसकी है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन की। तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो जाएगी मायोग्लोबिन की, ठीक है, समझ में आ गया सब बच्चों को। स्ट्रक्चर शो नहीं हो रहा आपको स्क्रीन पे, क्या अभी भी नहीं हो रही? एक मिनट रुको बेटा, अब बताना आप लोग मुझे। अब हो रहा है, अब स्क्रीन शो। हाँ जी, तो देखो ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, हाँ ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये एज अ मोनोमर है बेटा हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या बताया था आपको, चार पोजीशन बताई थी। तो यहाँ पे भी आप लोगों को चारों पोजीशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखेंगी मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसकी जो एक्सियल पोजीशन है उसकी जो नीचे वाली पोजीशन है वहां पे आपका क्या है, हिस्टिडिन ग्रुप है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है आपकी। और जो इसकी ऊपर वाली पोजीशन है वो वैकेंट दिखाई हुई है। यदि इस पोजीशन पे आपका ऑक्सीजन आके अटैच हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन। पर ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी किसकी है, डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन की, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी मायोग्लोबिन की। देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, इस तरह से आपको बनानी है, ये डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट होगा वो होगा ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व फॉर मायोग्लोबिन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व बनाना है हमें मायोग्लोबिन का, जिस तरह से हीमोग्लोबिन का बनाया था बेटा सेम वैसे ही बनेगा। बस आपका डिफरेंस क्या होता है, जो मायोग्लोबिन होता है उसके पास ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड अप करने की। तो पहले तो जो हमारा कर्व बनता है, द ग्राफ बिटवीन प्रेजेंट ऑक्सीजन ऑफ मायोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स एंड मसल, किसके किसके बीच में बनेगा, द ग्राफ प्लॉट बिटवीन प्रेजेंट ऑक्सीजन ऑफ मायोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स एंड मसल इज कॉल्ड ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व, ठीक है। और हम मायोग्लोबिन की बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व फॉर मायोग्लोबिन बोला जाएगा। उसके बाद इस ग्राफ में क्या होता है, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या होगा, जो मायोग्लोबिन होता है वो गुड ऑक्सीजन बाइंडर होता है और वो क्या करेगा, लंग्स में ऑक्सीजन को सप्लाई ज्यादा अमाउंट में करेगा एज कंपेयर टू लो प्रेशर। लो प्रेशर में वो किस में करता है ऑक्सीजन सप्लाई, इन मसल्स, क्लियर है। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखो यहाँ पे आपकी परसेंटेज सेचुरेशन लेनी है आपको,
और यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर लेना है। तो ये रीजन आपने डिवाइड किए हुए हैं, ये वाला जो रीजन है ये पार्शियल प्रेशर फॉर मसल्स, मसल्स के केस का है, और यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर है बेटा लंग्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाई प्रेशर पे जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो लंग्स में ज्यादा होगी, तो आपका इस तरह का कर्व दिखेगा आपको मायोग्लोबिन में, ठीक है। और लो प्रेशर पे कहाँ पे होता है, वो मसल में आपका ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ये जो कर्व है मायोग्लोबिन का, यदि हम इसका कंपैरिजन हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन बाइंडिंग कर्व के साथ करें तो ये एस शेप है बेटा, इसको सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। यहाँ पे जो मायोग्लोबिन है उसकी जो कर्व की लाइन आएगी वो ऊपर आती है और आपकी हीमोग्लोबिन की नीचे आती है। इसका रीजन भी यही है कि मायोग्लोबिन के पास ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड अप करने की, तो वो ज्यादा हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी शो करते हुए लंग्स में और मसल में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। अब जो इन्होंने ऑक्सीजन बाइंड अप कर ली, ऑक्सीजन मायोग्लोबिन ने जब बाइंड अप कर ली तो बेटा अब आपकी तो ज्वाइन हो रही है ना, तो अब जिन बच्चों की नहीं हो रही तो उनका खुद का नेटवर्क इशू होगा। आवाज कट कट के आ रही है क्या आप लोगों को? तो बेटा आज थोड़ा सा है नेटवर्क इशू, ये मैंने भी देखा था सुबह जब मैं क्लास ले रही थी ना, जब क्लास स्टार्ट की थी तो नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। मेरी भी क्लास बार बार में जब मैं कर रही थी ज्वाइन, तो ज्वाइन रिज्वाइन इस तरह से ही हो रहा था। कितने बच्चे हैं अभी क्लास में?